और अब सीधे भोपाल से आ रही तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज निकायों को बड़ी सौगात दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ठीक है बहन जी, धन्यवाद। और आप पीथमपुर आइए, आपको निमंत्रण है हम सभी की तरफ से। जरूर जरूर आऊंगा। धन्यवाद आपको भी देती हूँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी देती हूँ। आपके प्रयासों से सब सफल हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ विधायक जी कुछ कहें भैया। हाँ भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके साथ मेरा जो पेंडिंग काम है कि आपको धार और पीथमपुर का आमंत्रण मैंने कई बार दिया, और अब आशा उम्मीद है जरूर जल्दी जल्दी हम लोग आएंगे, जरूर आएंगे जी। भैया बहुत सारे लोकार्पण आपका इंतजार कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे कर देते हैं वर्चुअल, और कुछ जाके करेंगे। नहीं, आप प्रत्यक्ष आएंगे तो क्षेत्र की जनता को और हम सबको बहुत खुशी होगी। सब आपका इंतजार कर रहे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी समय दे दें तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। जरूर आऊंगा जी, जी जरूर आऊंगा। सभी पीथमपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद जी। सर बड़ा मलेरा में से 27.16 करोड़ की सर परियोजना का सर आज भूमि पूजन हो रहा है सर, और इसमें स्रोत भी है सर, ओवरहेड टैंक्स भी है सर, WTP भी है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है सर, और करीब सर 20,000 की आबादी यहाँ लाभान्वित होगी सर। यहाँ से श्री देवशंकर शुक्ला जी हैं जो आपसे पहले हमारे नवनिर्वाचित विधायक जी भी बैठे हैं, प्रद्युम्न जी, सभी हमारे गणमान्य साथीगण, आज नई सौगात बड़ा मलहरा को मिल रही है। और मैंने पहले ही कहा था कि जो वादा करेंगे वो सब पूरे करेंगे, जनता की सेवा के लिए है, और बड़ा मलहरा विकास की दौड़ में बिल्कुल पीछे नहीं रहेगा, तेजी से हम लोग काम करेंगे। और आज की जो योजना है उसी का एक उदाहरण आपके सामने है। देवशंकर जी क्या करते हैं आप? भाई सर नमस्कार, मैं शिक्षा का काम करता हूँ सर, प्राइवेट कोचिंग पढ़ाते हैं। अभी पीने के पानी की किल्लत है क्या, क्या परेशानी होती है बताइए? अभी तो नहीं है सर, लेकिन गर्मियों में हो जाती है सर, जलस्तर नीचे पहुंच जाता तो जो बोर से पानी जाता था नगर में, तो फिर वो एक दिन छोड़ के एक दिन मिलता था, तो काफी समस्या आती थी उसमें सर। ये रोज पानी की जरूरत थी ना? जी बिल्कुल, 24 घंटे आवश्यकता रहती पानी की। तो रहीमन पानी राखी है, बिन पानी सब सून। और प्रद्युम्न जी ने ये योजना भी करवा ली, और अपना काठन परियोजना खेतों की सिंचाई के लिए भी आएगी। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पूरे बड़ा मलहरा की ओर से। भाई साहब ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, एक तो वो काठन परियोजना आपने जो सिंचाई के लिए किसानों को दी है, और काठन से ही काठन मैया से ये पेयजल यहाँ आ रहा है। भाई साहब ये बहुत हमारे लिए और पूरे क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है भाई साहब, इसके लिए पूरे क्षेत्र की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई साहब। ये पेयजल निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र को ये अभी जो पेयजल यहाँ मिलता है भाई साहब, ये फिल्टर्ड वाटर नहीं मिलता, इससे बीमारियां ही बहुत होती हैं। कभी कभी मैंने अभी बीच में पिछले साल मैंने यहाँ देखा, दो दिन में पानी मिलता था, लोग यहाँ वहां भटकते थे। ये योजना शुरू होने से हर घर में करीब 2100 से ऊपर यहाँ पर कनेक्शन होने वाले हैं, जिसमें हर घर में पानी मिलेगा अभी तक। अच्छा ये तो हर घर में पानी जाएगा, लेकिन नगर पालिका को नगर परिषद को जलकर तो जमा करेंगे ना लोग? बिल्कुल, नागरिकगण जलकर तो देंगे ना, क्यों योजना देखिए योजना बन जाएगी लेकिन संचालित करने की जवाबदारी फिर नगर परिषद की नगर पालिका की होती है, तो वो ठीक से संचालित हो इसके लिए सबका नगरवासियों का सहयोग आवश्यक होगा। इतना हम विश्वास दिलाते हैं कि बहुत अच्छा गुणवत्तापूर्ण काम होगा, और पर्याप्त मात्रा में पानी यहाँ आ रहा है, जिससे पर्याप्त मात्रा में पेयजल हर घर को मिलेगा। और जैसे आपने बताया कितने कनेक्शन होंगे? 2150 कनेक्शन होंगे, और जनता शुद्ध पीने का पानी जनता को मिलेगा। अच्छा और किसी योजना का लाभ आपको देवशंकर जी मिला है क्या शहर में? जी संबल योजना में भाई साहब ये बिल माफी का मिला था। अच्छा जा, संबल तो पुरानी सरकार ने बंद कर कर दी थी, कभी कार्ड पड़ा कि कचरे में फेंक दिया? कार्ड का तो भाई साहब पता नहीं, लेकिन उसका अरे ये आयुष्मान कार्ड अभी बने कि नहीं प्रद्युम्न जी? जी बने भाई साहब, बने
भाई साहब आयुष्मान कार्ड लगातार बढ़ रहे हैं, अभी हमारे छतरपुर जिले में करीब 2,44,000 कार्ड बने थे, अब जो बढ़ के 2 महीने के अंदर 3,84,000 के ऊपर पूरे जिले के अंदर कार्ड बन रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बड़ी हमारी उपलब्धि है, हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी है उनकी बड़ी उपलब्धि है भाई साहब कि पूरे ताकत के साथ पूरे हॉस्पिटल्स में और अन्य जगहों पर आयुष्मान कार्ड लगातार बन रहे हैं भाई साहब। अच्छा निवेदन, हाँ राशन, एक बार मैं राशन का और पूछना चाहता था, राशन ठीक से मिल रहा है नगरवासियों को जो बीपीएल फैमिलीज हैं? जी राशन तो कभी कहीं ठीक मिल रहा है भाई साहब, कहीं कहीं दुकानों पर अभी भाई साहब एक बड़ी समस्या आ रही है राशन में, पिछले जो मशीनें जो हम इससे काम करने वाली मशीनें थी उनमें अभी कोरोना संकट में कुछ हम लग नहीं पाए, कुछ लोगों ने ऐसे ही बांट दिया है, तो पूरे प्रदेश के अंदर अभी पीडीएस में बड़ी दिक्कत आ रही है। हम चाहते हैं उसको सुने करके दोबारा उसमें पीछे का छोड़ के आगे बढ़वाने का काम शुरू किया जाए, लेकिन तो पूरे प्रदेश में अभी इस प्रकार की किल्लत आने वाली है और बहुत जगह राशन की दुकानों में अभी राशन बटने की स्थिति में ये जो समस्या बता रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर वाला योजना में कुछ लोगों को लाभ मिला है क्या? पथ विक्रेता स्ट्रीट वेंडर प्रयोग जी भाई, हाँ कुछ लोगों को 10,000 का लोन मिल चुका है भाई साहब और कुछ लोगों को मिलने वाला बता रहे थे। सीएमओ नगर पालिका है, कौन है? नगर परिषद है जी। जी है भाई यार, बताओ स्ट्रीट वेंडर का कितने लोगों को मिला भी? कितने माइक लो, माइक ले लो सर, 327 लोगों को लाभान्वित कर चुके हैं। 327 को मिल गया, ठीक से मिल गया उनका? जी सर। कितने और पेंडिंग है अभी? हमारा कुल 900 कुछ वहां है सर, दो अपन बना बना के भेज रहे हैं वहां पे गुलाब बना के, कुछ लोग मना कर रहे हैं उनको, दूसरे पंजीयन करके उनको दे रहे हैं सर। ठीक है, ये स्ट्रीट वेंडर वाला भी नहीं, जिनको चाहिए उनको ही देना है, क्योंकि 10,000 रुपए मिल जाएंगे तो जिंदगी की गाड़ी चल पड़ेगी और अपना छोटा मोटा काम धंधा प्रारंभ कर पाएंगे। तो सभी बड़ा मलहरा के बहनों और भाइयों को मैं फिर एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब भविष्य में ये योजना का काम पूरा होते ही कितने समय में पूरा होगा इसका काम? सर हम लोग 27 महीने में वैसा पूर्ण होने वाला है, परंतु अच्छे किसी ठेकेदार को मिल जाएगा तो समय के पहले भी हो जाएगा। 27 ज्यादा है, इसको कम करो, आज के जमाने में 27 महीने में थोड़ी होना चाहिए, ये जल्दी हो जाएगा भाई साहब। उन्होंने बड़ी अवधि बड़ी बढ़ा दी है, 27 करोड़ नहीं लेकिन 27 महीने क्यों लगना चाहिए? अगर वो स्रोत से लेके पूरा मतलब स्रोत कितने दूर है? कहाना भी वैसे नहीं, कितने किलोमीटर है, कितना दूर होगा? एनीकट भी बनना है सर, इसके 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो 27 5 किलोमीटर नहीं लगना चाहिए कुछ। आप देखें, माननीय भूपेंद्र सिंह जी बैठे हैं, मंत्री जी को देखेंगे, ठीक है, कुछ जल्दी पूरा हो। भाई साहब एक निवेदन और करना था, वो जो हमारे बड़ा मलहरा और पछुआ में साइंस और कॉमर्स की फैकल्टी है वो अभी करवा दी जाए अगले शिक्षा सत्र में। अगले शिक्षा सत्र में हो जाएगी, सभी बड़ा मलहरा वालों को मैं सूचना दे रहा हूँ, विधायक जी काफी जोर दे रहे हैं, उस पर करवा देंगे, बिल्कुल करेंगे, ताकि हमारे डिवाइडर बनना है। पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष सुनील मिश्रा जी बैठे हैं, असाठी जी बैठे हैं, असाठी जी मिश्रा जी को भी नमस्कार, और आप सब निश्चिंत रहिए, अब तेजी से अपन काम करेंगे, लेकिन आज ही सब करवा लोगे, बुलाओगे नहीं क्या वहाँ? परवार ही निपटा रहे भाई साहब, बहुत ही योजना होगी, लोकार्पण से बहुत जल्दी आपको यहाँ आना है, आपको भी आना, आदरणीय मोहन जी भाई सबको आना है, सभी को आना है। ठीक है, फिर बनाते हैं कार्यक्रम, सभी नगर वासियों को, सुनील जी सहित, असाठी जी सहित, सभी साथियों को और विशेषकर विधायक जी को भी बहुत बहुत बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अनुरोध करूंगा कि